सहारा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल पर उस वक्त नाराजगी जताई जब उन्होंने सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय को जेल भेजे जाने के न्यायालय के अधिकार पर ही सवाल उठा दिया। नाराज सुप्रीम कोर्ट ने गुस्से में आकर सिब्बल से तथ्यों और कानून के आधार पर जिरह करने को कहा। मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर ने सिब्बल से पूछा, आप यानी सुब्रत राय इस अदालत के आदेश पर जेल में हैं, यह आदेश सही या गलत हो सकता है, हम इस आदेश के अपील की सुनवाई नहीं कर रहे हैं, केवल एक ही रास्ता है जिससे वो सहारा प्रमुख यानी कि बाहर आ सकते हैं कि वो अदालत के आदेश का पालन करें। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल सहारा प्रमुख सुब्रत राय की तरफ से न्यायालय में पेश हुए थे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी उस समय में की गई जब सिब्बल ने शीर्ष अदालत की शक्तियों को लेकर सवाल उठाया और कहा, कानून और सच्चाई सहारा की तरफ हैं। दुनिया में कहीं भी इस तरह व्यक्ति को जेल में नहीं रखा जाता। किस अधिकार क्षेत्र के तहत सुब्रत राय को जेल भेजने का अधिकार मिला है? सेबी की अवमानना याचिका पर अभी फैसला होना बाकी है। सिब्बल के इस सवाल पर पीठ ने कहा, हमने कई वकीलों को इस विषय पर चुना है, वकील आए और चले गए, हमने आपको कभी भी कानूनी जिरह करने से नहीं रोका है, लेकिन आप तथ्यों पर जिरह कीजिए, हमें भाषण मत दीजिए। दुनिया में कहीं भी कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि मेरे पास 1,87,000 रुपए की संपत्ति है, मैं कभी भी पेमेंट कर सकता हूँ, लेकिन 10,000 करोड़ रुपए का पेमेंट नहीं कर सकता।